हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बच के बच। और हम लोग के पीछे आज आपको दिख रहा रहेगा, ये है आशापुरी ऑटो। एक्चुअली अपने बाइक का सर्विसिंग पेंडिंग था पिछले कुछ टाइम से, तो आज सर्विसिंग कराने के लिए आया है। और एक्चुअली ये पहली बार है कि होंडा के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से बाहर कर रहे हैं। तो मेन रीज़न ये था कि हमें अपग्रेड करना था अभी। तो अभी हम लोग परफॉर्मेंस अपग्रेड की तरफ जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा गाड़ी का, और स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं, 10W40 डाल रहे हैं इंजन ऑयल, और साथ ही साथ में अपन अपना ब्रेक्स जो है सिरामिक ब्रेक पे अपग्रेड कर रहे हैं फॉर नाउ। तो ब्रेक का एक्चुअली ब्रेक पैड का इशू था, ब्रेक पैड आगे का मिल नहीं रहा, पीछे का मेरे पास है, तो जैसे वो आ जाएगा तो वो अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अभी एक सर्विसिंग पेंडिंग था तो सर्विसिंग के लिए आया। अभी फुल सर्विस होगी गाड़ी और इंजन ऑयल वगैरह चेंज होगा, पूरा मक्खन हो जाएगी बाइक। अभी वॉशिंग में गई हुई है। चेन क्लीन, पहले चेन क्लीन होगा। इनकी प्रक्रिया चालू हो गई है, ये रही वॉशिंग हो रही है अभी। इसका क्रैश गार्ड भी एक्चुअली थोड़ा सेट करना है। पिछले बार जब एक्सीडेंट हुआ था तो पता नहीं आप लोग को दिखाया कि नहीं दिखाया था मैंने एक्सीडेंट में। ये देखो यहाँ पे एक स्कफ मार्क है, ये स्लाइडर घस गया जिसकी वजह से बच गया बाइक। लेकिन ये देखो ये एक बैटल मार्क पड़ा हुआ है यहाँ पे हमें। ये एक किस्सा हो रखा है। तो अब ये पैनल के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग, पैनल का ऑर्डर दे रखा है होंडा में, तो उसका वेट किया जा रहा है। और उसके साथ में ये भी थोड़ा डैमेज हो गया, ये दिख रहा रहेगा आपको, बहुत क्लिमसी हो गया, तो ये भी डैमेज हो गया है अंदर से, इसको भी रिप्लेसमेंट करना है वाइजर इसका। बाकी सब बढ़िया है। तो हम लोग जो इंजन ऑयल यूज़ करने वाले हैं इस बार अपने मोटरसाइकिल में, वो है ये कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट 10W40 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग इसको अपग्रेड बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले गाड़ी जो है 5W30 पे रन कर रही थी और अभी हम लोग 10W40 पे इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे परफॉर्मेंस कितना बूस्ट होता है और स्मूथ हो जाएगी, गियर शिफ्ट और बेटर हो जाएगा। एक रीज़न है कि मोटुल पे नहीं गया, मोटुल एक्चुअली देखने वाला था, मोटुल 7100, लेकिन कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट एक रीज़न से चूज़ किया हुआ है। साथ ही में हम लोग ने जो फ्लश था इंजन फ्लश के लिए हम लोग ने यूज़ किया ये इंजन शैम्पू कैस्ट्रॉल का, ये सेम ही काम करता है जैसे फ्लश होता है, इसने भी अच्छा काम किया है वैसे। अभी इधर आवाज़ बहुत खड़खड़ खड़खड़ ज़्यादा आता रहेगा, बट मैनेज कर लेना थोड़ा सा। आपको गाड़ी दिखाता हूँ, अभी गाड़ी पैक हो रही है, जितना काम होना था थोड़ा बहुत हो गया, मतलब मैक्सिमम हो गया। तो पैकिंग विकिंग चल रहा है, अभी एक बार पैक हो जाएगा तो फिर निकालेंगे यहाँ से। अभी नया नया इंजॉय होने वाला है, इसका फील भी मज़ा आएगा। गवर्नमेंट को भी यही टाइम मिला था एक्चुअली। अभी रोड बन रहा है तो रोड पे पूरा डांबर डाला हुआ है, जब हम लोग गाड़ी निकालेंगे तो ये पूरा डांबर अपने गाड़ी में चिपकेगा। ये देखो सामने चल रहा है। तो क्या कह रहा था, हो गया अपना सर्विसिंग गाड़ी का, और अभी इंजन ऑयल डाला हुआ है कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट, बट फिर भी गाड़ी जो है थोड़ी सी ये ही लग रही है, गर्म हो रही है, तो न्यूट्रल में अभी चलो
तो आपको दिख रहा रहेगा 18,888 किलोमीटर पे सर्विसिंग करी हुई है। तो स्मूथनेस तो पहले से बेटर लग रहा है, ये न्यूट्रल थोड़ा सा टेस्ट लेंगे अभी अभी तो इसका आइडल वगैरह चेंज किया हुआ है थोड़ा, और ज़्यादा खर्चा नहीं आया है, 500 रुपये खर्चा आया। चेन ल्यूब का जिसमें 100 रुपये था, 399 रुपये थे सर्विसिंग के, आइडली जो कम है, बट ज़्यादा चीज़ों का चेंजेस तो नहीं था। इंजन मेरे को अभी भी हीटिंग इशू लग रहा है, पिकअप थोड़ा अच्छा दे रहा है, वो चीज़ समझ में आ रहा है, पिकअप है बेटर, बट यस उसी में ही वॉशिंग पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ हो गया। तो अभी ये रस्ते का काम चल रहा है, तो बस यहाँ से निकलते चलने खड़ी लग रहा है यार। डेफिनेटली स्मूथ हो गया पूरा ब्यूटीफुल सा सनसेट रही इतनी गाड़ी। सो हो गया है अपग्रेड क्या कहेंगे, ऑयल चेंज हो गया, सर्विसिंग हो गया, इसका बेसिक सर्विसिंग हो गया, जो अपने को चाहिए था, जो करके लौटाना था वो चीज़ हो गया, जो है अभी आपके सामने। थोड़ा हेडलाइट भी चकाचक लग रही है अभी, पहले से तो गंदी हो रखी थी बहुत, तो ठीक है अभी। तभी इंजन बहुत गर्म हो रहा था, मेरे को लगता है अभी थोड़ा सा हवा मिल रहा है तो इंजन थोड़ा सा काम है, ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, वो एक अच्छा चीज़ है, गुड न्यूज़। अभी देखो इकोनॉमी क्या देगी, क्योंकि 10W40 है, फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, तो इसके बाद जो इकोनॉमी रहेगी गाड़ी की वो तो आपको पता चलेगा ही। आपको दिख रही है सामने बाइक और सनसेट हो रहा है सामने, तो एक बार इंजन ऑयल जो है सही परफॉर्म करने लगे, मेरे को लगता है 100 किलोमीटर तो जाएगा अपने को, 100 किलोमीटर एक बार सही हो गया तो उसके बाद फिर बेटर हो जाएगा, पहले से काफ़ी चीज़ें और ज़्यादा स्मूथनेस बढ़ेगी, मेरे को लगता है गियर शिफ्टिंग और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। वैसे तो आइडियली 1000 किलोमीटर के बाद होना चाहिए, बट हाँ यार ये सब स्कफ मार्क्स जो है ये सब का कुछ करना है जल्दी से जल्दी। 2 साल ओल्ड हो गई है, इसका ब्रेक पैड्स बचा है, ब्रेक पैड्स मैंने आपको बताया नहीं शायद, लेकिन ब्रेक पैड इसके आ चुके हैं, ब्रेक पैड्स जो है दिखाता हूँ मैं अभी आपको। बाजार लेके घूम रहा हूँ, ये है ब्रेक पैड्स वैसरा के,
आए हुए हैं अपने गाड़ी के लिए। आगे का बाकी अभी भी आना, तो एक बार आगे का आ जाएगा तो अपना ब्रेक पैड्स अपग्रेड हो जाएगा। अभी ये फोक व्हील भाई ने घुमा दिया लगता है, पता नहीं कैसे घुमा दिया। तो ये हो गया सीधा, अभी दिख रहा है कराएगा यहाँ पे। वो साइड का क्या सीन है, वो साइड का स्ट्रेट ही है। पिछले बार का चीज़ है, आधा रह गया था अपडेट करने का अपने बाइक पे, तो उसके लिए दोबारा से आया ब्रेक पैड। जैसे हमने बोला था ब्रेक पैड मिलना बहुत मुश्किल पड़ गया था, तो आपने ब्रेक देखा होगा वेस्ट्रा के ब्रेक पैड्स हम लोग डाल रहे हैं आगे और पीछे। वो अभी इंस्टॉल करने के लिए आया, एक बार वो इंस्टॉल हो गया फिर उसके बाद में देखते कैसा है। वैसे अब भी जस्ट पीछे का टायर बहुत गंदा स्किड किया, तो गैर में नहीं है, वॉशिंग भी करवाने का, गंदा बहुत है गाड़ी। तो मोरबे डैम जब गए थे तो उधर बहुत ज़्यादा ऑफ रोड हो गया था, तो मिट्टी मिट्टी हो गई है गाड़ी। वॉशिंग आज तो हो नहीं पाएगा, बंदा छुट्टी पे उनका वॉशिंग वाला, तो ठीक है अभी ये रही मुँह सामने करवा के लेते हैं इसका काम, ब्रेकिंग। और उसका जो अपडेट रहेगा ना ब्रेकिंग का, कि कैसा परफॉर्म कर रहा है आगे ये ब्रेक पे नए वाले ब्रेक से, तो ये जो है आगे के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो ये है वेस्ट्रा का ब्रेक पैड रियर का, ये आगे वाले इधर नीचे, और ये एक्चुअल होंडा का है। तो की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, रियर ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसके लिए इसका लाइफ अभी भी है, इसमें चल सकता है आराम से चल सकता है। लेकिन अपग्रेड कर रहे थे तो दोनों आगे पीछे का एक साथ में अपग्रेड कर रहे हैं,